ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया है। मंगलवार को बीजेपी और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के बीच गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद बीजेपी की बैठक में नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई है। यह बदलाव तब हुआ है जब सोमवार को पीएम मोदी ने मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। आपको बता दें कि हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी फिलहाल कुरुक्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। इससे पहले वो साल 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक चुने गए थे। साल 2016 में वो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। ऐसे में आइए जानते हैं हरियाणा के नए सीएम की कुल संपत्ति कितनी है। नायब सिंह सैनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। MyNeta.com के मुताबिक नायब सिंह सैनी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दाखिल चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 3,57,85,621 रुपए है, जबकि उनके ऊपर करीब 57,34,878 रुपए का कर्ज भी है। उनके नाम पर दो कारें हैं, टोयोटा इनोवा और क्वालिस। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के नाम पर जो घर है वो बेहद कीमती है। MyNeta.com के मुताबिक सैनी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पंचकूला और अंबाला में दो आवास होने का जिक्र किया है, जिसकी कीमत 2019 में करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई थी। नायब सिंह सैनी का LIC में करीब 3 लाख रुपए निवेश है। उनके पास 30 ग्राम गोल्ड समेत करीब 5,40,000 रुपए की ज्वेलरी है। इसके अलावा उनके पास 1 किलो चांदी भी है, जिसकी मौजूदा समय में कीमत करीब 70,000 रुपए है। नायब सिंह सैनी और उनकी पत्नी के नाम पर कुल 7 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें साल 2019 में कुल 24,11,471 रुपए जमा थे। नायब सिंह सैनी के पास करीब 55 लाख रुपए की कृषि योग्य भूमि है। वहीं अगर मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनके पास 1,27,00,000 रुपए की संपत्ति है। साल 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा हुआ था। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी नाम था। इस रिपोर्ट में खट्टर की संपत्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई थी। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी का जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के एक छोटे से गांव मिर्जापुर माजरा में हुआ था। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर हुए मतभेदों की वजह से ये बीजेपी और जेजेपी के बीच का गठबंधन टूट गया, जिसके बाद चंडीगढ़ में बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया है।